नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर एनआरसी की रिपोर्ट में पिछले 8 महीने में मध्य प्रदेश में 31,020 बच्चे कुपोषित मिलने की बात सामने आई है, जिसमें से 21 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बच्चों का इलाज पोषण पुनर्वास केंद्र में चल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में भोपाल में कुल 50 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से 49 बच्चों का इलाज एम्स में चल रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी के अनुसार कुपोषित बच्चों की मौत का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। साल 2020 में 41,398 बच्चे कुपोषित मिले थे, जिनमें 46 बच्चों की मौत हो गई थी।